तो गाइस यहाँ पर स्पीकर लगाकर घर पे नाच रहे हैं। या बोलो देव भाई लोगों को कहते हैं असली पार्टी। ये जो परमल खाते हुए तब ये हमारे सोमनाथ जो कि सो रहे है, रेस्ट ले रहे कि सो रहे है क्या मालूम। और हमारी कावड़ इधर पे रुके हुए और हम आगे चलकर तो हमें अभी तो ज़्यादा दूर तो जाना है नहीं। और यहाँ पर इधर की और वीर गांव है, वहाँ पर हमारा दोपहर का खाना रहेगा और यहाँ पर 2-3 घंटे रेस्ट वगैरह लेंगे गाइस। फिर वीर गांव की ओर जाएंगे और नहाना भी है तो अभी आगे जगह मिलेंगे, नदी मिलेंगे तो नहाएंगे और थोड़ा यहाँ पर रेस्ट वगैरह लेते हैं। तो फुल रेस्ट ले लिया है और हम अभी वीर गांव की ओर जा रहे हैं और जाके तो नहाएंगे, नहीं तो फिर और आगे जाकर देखना होगा। फिर चलो धीरे धीरे चलते हमारे भाई लोग के पीछे से। दोस्तों हमको नहाने की व्यवस्था मिल चुकी है और यहाँ पर हम नहाने वाले हैं अभी, तो गाइस नाव वगैरह धो लेते हैं फिर मिलते हैं। तो अपना फाइनली नहाना धोना एकदम हो चुका है और एकदम फ्रेश फील हो रहा है भी। और हम जाएंगे वीर गांव की ओर, अपने भाई लोग भी नहा धोकर एकदम रेडी हो चुके हैं, ये चड्डी बनियान पहनकर। और यहाँ पर तो अभी तैयार हो रहे हैं, इधर सबका नाना दोना हो चुका है। तो गाइस अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और अभी चलते हैं वीर गांव। तो चट्टी थ्रो इनका ही कर रहे हैं। और गाइस हम यहाँ पर खाना खाने के लिए जा रहे हैं और भंडारा भी लगा हुआ है, अभी हाथ वगैरह धो लेते हैं और अभी जरा आराम से खाना पड़ेगा क्योंकि और दूर जाना है हमें। ये तो मस्ती और बच्चे आते हुए धीरे धीरे और इनका खाना पीना भी हो चुका है और हमारा तो बच्चा हुआ है। और आगे कावड़ यात्री जाते हुए, चलो बच्चे जल्दी आ जाओ जरा भाग के जो कि पढ़ाई करने जा रहे हैं अभी, बहुत बड़े बड़े हैं इधर। ये हमारे नानिया पानी पिला रहे हैं इसको। ये इधर में चलो गाइस धीरे धीरे चलते हैं। और यह हमारी फायर गन MP40, कोई पंगा लेगा तो सबको उड़ा देंगे धड़ाधड़। हेलो गाइस, हर हर महादेव शंभो। भाई लोग जो कि कपड़े वगैरह धो रहे हैं और मैं भी धो रहा हूँ। ये इधर हमारे सोना भाई, वाहिद भाई, जगन भाई और इधर मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, ये इधर मैं धो रहा हूँ। तो गाइस कपड़े वगैरह धो लेते हैं, नहा लेते हैं फिर आपको मिलते हैं। और इधर में समय हो चुका है दोपहर के 2:20 हो चुका है, तो आज हमारा नहाना धोना और कपड़े धोना भी सब कुछ हो चुका है।
और आज तो हम दिन भर में दो बार ला लिए, सुबह भी नहाए थे और अभी भी, और अभी तो ज़्यादा दूर तो जाना है ही नहीं, 4-5 किलोमीटर जाना है। अभी यहाँ पर एक बिल्डिंग आएगी, वहाँ पर सोना है ज़रा, वहाँ पर चिल्ड एकदम रेस्ट वगैरह लेंगे, फिर शाम को 4-5 बजे जाएंगे। ये एक अनार सो बीमार देख सकते हो, एक अनार है और चाकनो दिख रहे हैं बढ़िया। और हमको अभी इधर आराम करते हुए, और हम भी यहाँ पर थोड़ा आराम कर रहे हैं, और हमारे भाई लोग भी इधर बैठे हुए हैं चार्ज लगाने के लिए, और हम इस बिल्डिंग में हर साल आते हैं आराम करने के लिए। अब तो 4-5 किलोमीटर हमें जाना है। तो दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं और हम आ चुके हैं वहाँ से, और वहाँ पर चाय भी पी लिया और आराम भी एकदम अच्छे से कर लिया। अभी हम कंदाने गांव की ओर जा रहे हैं, और ज़्यादा तो दूर हमें जाना नहीं है, सिर्फ 2-3 किलोमीटर चलकर जाना है। और हमारा नाइट स्टॉप भी रहेगा, और वहाँ पर सोना भी है और खाना भी, और सुबह हम निकलेंगे 3 बजे। हमारे भाई लोग बाकी तो चले गए हैं, और हमारे ये 3 भाई लोग अभी धीरे धीरे चलते हुए, और यहाँ की खेती देख ही सकते हो। अभी इधर हमारे भाई लोग भी एक नंबर दिख रहे हैं, यहाँ पर एक नंबर भी लग रहा है, और सूर्य देव भी देखे जाते हुए धीरे धीरे। ये हो हमारे भाई, क्या कर रहे हो, जरा धीरे धीरे चलो, ये हत्ती का बत्ती ब्रो, अगल बगल कल्टी लो, अगल बगल कल्टी लो। हम फाइनल पहुंच चुके हैं कंदाने गांव में, और समय हो चुका शाम के 5:40, और इधर हमारे भाई लोग जाते हुए और कंदाने गांव में जो मंदिर है उसके भी दर्शन कराएंगे। और इधर देख सकते हो जो कि इधर झंडा लगा हुआ है, यहाँ पर मंदिर है। सबसे पहले तो कहा इधर जाते हुए हमारे भाई लोग, देखते हैं गाइस हमको तो इधर जाना है। अभी तो किधर बैठे हुए सब भाई लोग, अभी देखते हैं फिर जाएंगे हम। आज संपूर्ण से कंदाने गांव तक की हम 30 किलोमीटर चल कर आ गए हैं, और यहाँ से तो हमारा स्टॉप रहेगा, और कल सुबह 3 बजे होकर फिर निकल जाएंगे। कल का रूट तो हमारा बहुत ही बड़ा है, क्योंकि कल समय हो चुका है और 8 बज चुके हैं गाइस। हर साल यहाँ पर नाइट स्टॉप रहता है, और हम आगे के लिए हाले हम आगे जाके झोपेंगे और इसके साथ मजे सोएंगे। तो गाइस हमारा हर साल यहाँ पर नाइट स्टॉप रहता है, पर हम इस साल यहाँ पर नहीं सो रहे हैं। हम गाइस अभी धीरे धीरे चलते हैं, और अभी तो रात का समय है, तो अभी उजाला है, तो आपको दिखा देता हूँ, फिर आगे जाके दिखाएंगे। और ये अपने भाई लोग धीरे धीरे चलते हुए स्वेटर डालकर और इधर से पीछे से आ रहे हैं। दोस्तों हम नारे लगाते हुए धीरे धीरे चलते हुए, और चांदनी रात भी है इधर बढ़िया। मुक्ति की माता के, चाचा जी की माता के, भाई लोगों को जय बोले बोले के बोले।
तो गाइस अभी खाना पचाने के लिए भग भग कर जा रहे हैं और नारे लगाते हम धीरे धीरे चल रहे हैं। तो अभी तो गाइस यहाँ पर स्पीकर लगाकर घर पे नाच रहे हैं। या बोलो जय मगरा माता के, जय बोलो अंबे मैया के, जय अंबे मैया के, जय। तो गाइस इधर पहाड़ एरिया है और हम इधर से साथ साथ चल रहे हैं। तो गाइस देख सकते हो जो कि ये पहाड़ पर का रोड बनाया गया है, कितने बड़े पहाड़। दिन में कभी रहता तो बहुत अच्छे से दिखा देता, पर अभी रात है तो गाइस सामने अभी गांव आ चुका है, सब लाइट वगैरह लगे हुए और इसी गांव में हमको कहीं पर एक जगह रहना है। तो गाइस अभी जहाँ पर रहते हैं वहाँ मिल, यहाँ से माता जी का मंदिर भी दिख रहा है पर आपको शायद दिख नहीं रहे होंगे, पर फिर भी हम जूमिंग करके दिखा देते हैं। तो गाइस रात के 10 बज चुके हैं और हमारे पड़ोस के पास पहुँच चुके हैं। गाइस अभी कल सुबह 8-9 बजे उठकर आराम से जाएंगे। गाइस तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें गाइस, और मिलते हैं आपको सुबह अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। सब आ चुके हैं, त्रिपाल वगैरह भी सब डाल दिए गए हैं।